हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्यूज़ के बारे में बात की थी। फ्यूज़ यूनिट्स के उसमें हमने आपको चार पांच तरह के फ्यूज़ बताए थे। उसमें राउंड टाइप फ्यूज़ यूनिट और रीवायरेबल और किटकैट टाइप फ्यूज़ यूनिट, ये तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। अब आज उसमें जो दो तीन तरह के रह गए थे, आज हम लोग उसकी बात करते हैं। तो जैसे जो थर्ड टाइप का है वो है आपका कार्ट्रेज टाइप फ्यूजेस। देखिए कार्ट्रेज टाइप फ्यूजेस क्या होते हैं कि सिंपली थर्ड टाइप इज कार्ट्रेज टाइप फ्यूजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस इज ए टोटली एनक्लोज टाइप फ्यूज यूनिट। इट एसेंशली कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग कंटेनर ऑफ बल्ब और ट्यूब शेप एंड सील्ड एट इट्स एंड विद मेटेलिक कैप नोन एज कार्ट्रिज एनक्लोजिंग द फ्यूज एलिमेंट एंड फिल्ड विद पाउडर और ग्रेनुलर मटेरियल नोन एज फिलर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे एक सिलेंड्रिकल आपने पॉट ले लिया, इसके अंदर फ्यूज एलिमेंट होता है और उसको चारों तरफ से ग्रेन्युलर मटेरियल जो फिलर मटेरियल होता है उससे हम उसको भर देते हैं इस तरह। ठीक है, और यहां पे हमने ये ऐसे इसको एंड पे कर दिया सील, और ऐसे हमने इसको एंड पे सील कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। इसमें क्या होता है कि देयर आर वेरियस टाइप मटेरियल्स यूज एज फिलर लाइक सैंड। अब इसमें जो फिलर मटेरियल होते हैं जो फ्यूज एलिमेंट के चारों तरफ फिल किए जाते हैं, वो फिलर मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, सैंड हो गया, उसके बाद है आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्वार्ट्स हो गया एटसेट्रा। तो ये जो होते हैं आपके फिलर मटेरियल, सैंड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये फ्यूज एलिमेंट के चारों तरफ इसको फिल कर दिया जाता है और फिर उसको दे एक इंसुलेटिंग कंटेनर में बल्ब या ट्यूब शेप में इसको रख दिया जाता है और उसके एंड्स को सील कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कार्ट्रिज टाइप फ्यूजेस। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फ्यूज इज अवेलेबल अप टू 660 वोल्ट। अब इनकी जो रेटिंग होती है वो अब 660 वोल्ट तक होती है और करंट रेटिंग जो होती है वो अप टू 800 एम्पियर तक होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्ट्रिज टाइप फ्यूजेस। उसके बाद फोर्थ टाइप आता है आपका हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विद ए वेरी हैवी जनरेटिंग कैपेसिटीज ऑफ द मॉडर्न पावर स्टेशंस extremely heavy currents would flow into the fault and fuse clearing the fault would be required to withstand extremely high stresses in this process। मतलब कि जो heavy generating capacity वाले जो modern power station है जहाँ heavy power generate होती है वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई fault होता है तो वहाँ पे बहुत ही extremely heavy current flow करती है। ठीक, तो इन heavy
एक्सट्रीमली हैवी करेंट्स के लिए आपको ऐसे फ्यूज की जरूरत पड़ती है जो हाई स्ट्रेसेस को झेल सके, ठीक है? यू नीड दैट टाइप ऑफ फ्यूजेस। तो एचआरसी फ्यूजेस डेवलप्ड एंड डिजाइंड आफ्टर इंटेंसिव रिसर्च फॉर यूज इन मीडियम एंड हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। तो इसीलिए जो एचआरसी फ्यूजेस को डेवलप किया गया है, दे वर डेवलप्ड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस। ये यूज किए जाते हैं आपके मीडियम एंड हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस में। ठीक है, दियर रैप्चरिंग कैपेसिटी इज एज हाई एज 500 मेगावोल्ट एम्पियर। अब इनकी जो रप्चरिंग कैपेसिटी होती है, रप्चरिंग कैपेसिटी ये कितनी होती है? ये होती करीब 500 मेगावोल्ट एम्पियर, 500 मेगावाट तक की, एंड अप टू 66 किलो वोल्ट एंड अबव। मतलब ये हाई पावर स्टेशंस पे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो एचआरसी फ्यूजर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ एचआरसी फ्यूजेस। एक तो होता है आपका कार्ट्रिज टाइप एचआरसी फ्यूज, और दूसरा होता है आपका टेट्रा क्लोराइड टाइप एचआरसी फ्यूज। टेट्रा क्लोराइड टाइप एचआरसी फ्यूज, ठीक है? ये हो गया आपका एचआरसी फ्यूजेस। अब इसका अगर हम उसकी बात करें, से मान लीजिए इसका हम डायग्राम आपको बनाते हैं एचआरसी फ्यूजेस का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने ये बनाया, पहले आपने ये इनर बाउंड्री बना दी, इस तरह, ठीक? अब ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब इसको मान लीजिए आपने इसको ये पूरा आपने ऐसे शेडेड कर दिया, क्योंकि तो ब्रास एंड कैप भी अभी आपको लगाना है यहाँ पे। पहले मैं इसको मान लीजिए मैं शेडेड कर दिया अलग करने के लिए दूसरे पोर्शन से। इस तरह, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि आउटर एलिमेंट पहले बना दीजिए। मान लीजिए ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है? ये आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब ये ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये आप जो है यहाँ पे आप दिखा दीजिए। अभी बताते हैं चीज क्या है। ये हो गया। अभी क्या है, देखिए ये तो हो गए आपके ब्रास एंड कैप,
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो गए आपके ब्रास एंड कैप, तो इसको आप लिख लीजिए ब्रास एंड कैप। उसके बाद बाई मेटल थर्मल कंट्रोल, तो ये हो गया आपका, ये हो गया बाई मेटल थर्मल कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे भी अपने कांटेक्ट दिखाना रह गया, जो फ्यूजलिंग के कांटेक्ट है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट, ठीक। ये क्या है, ये है आपका फ्यूज वायर जिसको हम बोलते हैं, या आप इसको लिखिए फ्यूज एलिमेंट, फ्यूज एलिमेंट, ठीक। उसके बाद ये है, ये क्या है, ये है आउटर एलिमेंट, दिस इज आउटर एलिमेंट, ठीक। और ये जो बीच में हमने भरा हुआ है ये क्या है, ये है फिलिंग पाउडर, दिस इज फिलिंग पाउडर, ठीक। और कार्ट्रिज टाइप अगर हम ये बता रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्ट्रिज, आप इसको ले सकते हैं कार्ट्रिज। तो इस तरह से आप कार्ट्रिज टाइप HRC फ्यूजेस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका HRC फ्यूजेस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का फ्यूज आता है वो आता है सेमीकंडक्टर फ्यूजेस। सेमीकंडक्टर फ्यूजेस में क्या होता है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर फ्यूजेस, दीज आर वेरी फास्ट एक्टिंग फ्यूजेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर एंड, दीज आर वेरी फास्ट एक्टिंग फ्यूजेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जो सेमीकंडक्टर फ्यूजेस होते हैं ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग फ्यूजेस होते हैं, और ये दे आर वेरी फास्ट एक्टिंग फ्यूजेस एंड दे आर यूज टू प्रोटेक्ट थायरिस्टर थायरिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेमीकंडक्टर फ्यूजेस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये आपके टाइप ऑफ फ्यूजेस खत्म हो गए, पूरे हो गए आपको जो चार पांच तरह के बताने थे। अब इसमें जो स्विच फ्यूज यूनिट पे ऑलरेडी हम एक लेक्चर ले चुके हैं, उसकी कुछ चीजें रह गई थी, दो तीन चीजें, ट्राइपोल, आयरन क्लोट स्विच और ये सारी चीजें। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके आज के लेक्चर में जो भी समझाया वो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।